होली के दिन आप जानते हैं होलिका को जलाया गया, अग्नि का बड़ा भारी दान है, कार्य है, क्योंकि अग्नि देवता ने होलिका को वरदान दिया था कि किसी भी हालत में तुम जल नहीं सकते और चाहे किसी भी तरह से मृत्यु आ जाए तो तुम जल नहीं सकते। और वरदान दे करके फिर बहुत पछता है क्योंकि प्रहलाद को लेकर वो गोद में बैठे और अग्नि देवता के सामने प्रश्न पड़ा, धर्म का प्रश्न, कि मैंने इनको वचन दे दिया मैं तुमको जलाऊंगा नहीं और इस वचन को मैं अब कैसे भंग करूं। और प्रहलाद तो स्वयं साक्षात अबोधिता है, स्वयं साक्षात गणेश का प्रादुर्भाव, और इनको किस तरह से जला जाए, इनको तो कोई नहीं जला और मेरे भी शक्ति से परे, ये तो मेरे शक्ति से परे। तो उन्होंने विचार ये किया कि अहंकार कैसा कि इतनी बड़ी शक्ति के सामने मैं अपनी शक्ति से कौन सी बात कर, मेरी ऐसी कोई सी भी शक्ति नहीं है जो इनके आगे चल सके, इनकी शक्ति इतनी महान, तो इनको तो मैं जला सकता ही नहीं चाहे कुछ भी कर लू। लेकिन इस वक्त दूसरा बड़ा भारी मेरे सामने धर्म का है, तो कर्तव्य और धर्म इसमें जो कश्मकश हुई उस वक्त यह सोचना चाहिए कि धर्म कर्तव्य से ऊंचा, धर्म कर्तव्य एक सर्वसाधारण कर्तव्य से ऊंची चीज और उससे भी ऊंची चीज आत्मा का कर्तव्य, यानी जो छोटा परिघी में बंधा हुआ सीमित जो कुछ भी हमारा वलय है, गोल है, उससे जो ऊंचा गोल है, से जो ऊंचा वलय है उसको उतरना कर है, तो इस छोटे को छोड़ना पड़े। राजा जी की जो मेन शक्ति थी वो थी आह्लाद राय, सबको आह्लाद देना ये उनकी मेन शक्ति, और इसीलिए उन्होंने फिर होली का त्योहार, कृष्ण ने आकर के जितनी भी पूजाएं थी सबको बंद करके और कहा कि अब पूजा उजा मत करो, तुम उस आत्मा की ओर बढ़ो जिसको तुम्हें पाने का, और छोटी छोटी चीजों में मत खो, शुद्र चीजों में नहीं खोना, लेकिन ऊंची चीज के और अपनी दृष्टि लगाए। अब और शक्ति का संचार कैसे, उसका आनंद कैसे लोग उठा, तो उन्होंने रंग वगैरह खेलना शुरू किया, रंग से रंग भी सारे जो रंग है ना आप देखिए कि रंग भी देवी के रंग है, सारे सातों चक्रों के रंग से रंग खेला जाता है, सारे चक्र के रंग ही अपने ऊपर उखा लो, खेलो उल्लास आह्लाद आनंद, गंभीरता पूर्वक बैठने कौन सी जरूरत है, अगर आप परमात्मा को पाए तो खुश हूँ। द कलर्स आर ऑल रिप्रेजेंटिंग योर चक्रास, दीज आर ऑल द चक्रास, एज यू नो एवरी चक्रा हैज गॉट डिफरेंट कलर्स, सो व्हाट हैपेंस दीज कलर्स जस्ट गेट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द एयर इन द एटमोसफियर ड्यूरिंग होली टाइम, यू आर रिप्रेजेंटिंग दोज कलर्स विच आर कम्प्लीटली permeating into the atmosphere. So this is another thing when you play colors. When you color another person, you are just expressing that this your chakras may be blessed. Red color is of the Muladhara.
all those colors that you use here are of different chakras. So just you are making the whole expression of your love, that let it be, you become completely filled with red color, means innocence. Because as a child in the womb of the mother, just sees the red color of the mother, the color of the blood. So like that, you see different colors are spread on the face, and Abhira is the green color of the Guru Tattva. Like that, all these colors have got significance, that they are the colors of your chakras which are spreading all over to your friends, to your other brothers and sisters who are surgeons. So it has that symbolic expression that you are spreading your, actually the essence of your chakra, the basis of your chakra, the colors of your chakra, the fragrance of those chakras to other surgeons. It just permeating. I don't know in Hindi language if there's a better word, like in Marathi with the udhar. Udhar. Udhar means just kya hai? Rang ko phekna hota hai. Rang ko udana. रंग को उड़ाना होता है, पर उड़ाने में वो बात नहीं आती जो उधड़ने में होती है। उधड़ना तो उधर तो बहुत वहाँ माना जाता है शब्द उधड़ना, कि उसको उधर दिया, माने ये कि निकाल के खून के उसको ऐसे चारों तरफ फेंक, पर फेंकने में फेंकना शब्द ठीक नहीं, बिखेरना, उधड़ने उधड़ने का मतलब है अपने अंदर से निकाल करके और उसको चारों तरफ बिखेर, लेकिन बिखेर आप हर एक चीज सकते, पर उधड़ना जो है वो आप किसी गलत काम का नहीं कर सकते, ये मतलब शुद्ध शब्द उधड़ना। और इसलिए ये जो आप अभी कर रहे हैं, ये आप अपना दिल का प्यार, अपने चक्रों का रंग सब दूर आप बिखेर, आप इस बिखेरने में कोई भी अश्लीलता होना, माने ये गंदी चीज। कवि ने कहा है कि ऐसो रंग रंगो रंग रही जो लाल लाल कर, लाल रंग जो है, रेड कलर इज अ साइन ऑफ इनोसेंस। सो कबीरा सेज दैट यू पुट मी इनटू सच अ कलर, ओ द वन हु इज गोइंग टू कलर मी इज द वन रंगरेजो इज द वन हु कलर्स थिंग्स। सो ही सेज ओ रंगरेजो मेक मी सो दैट द होल थिंग बिकम्स रेड इनोसेंस, फिल्स मी अप विद कंप्लीट इनोसेंस, एंड इनोसेंस इज द वन ही हैज आस्क्ड फॉर टू बी फिल्ड इन। एंड सेम इज विद श्री कृष्णा, that he played with all these different colors to show that there are different chakras within us apart from the red and the others that are there, all of them play a part to create a beautiful joyful personality. आज उल्लास और आह्लाद का दिन है, सब अपने होली मिलो, क्योंकि आज होली आई है और होली का ही आनंद उठाना है। आप सबको मेरा अनंत गोपीगाल संग गाए नाचे, गोपीगाल संग श्री निर्मल माँ के आगे बिरज में, श्री निर्मल माँ के आगे बिरज में, पूरी खेलत।